साथी तमाम दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत प्रोग्राम से खैरियत होंगे तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। तो अभी मैं सेटअप पे आया था और बहुत मज़ा आ रहा है सेटअप पे। आजकल मैं सेटअप को सबसे हमला हरा भरा करने की कोशिश करूँ कि जल्द ये हरा भरा हो जाए और भी मज़ा आए। तो कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह जल्द आने वाली हैं, तो मज़ा आएगा अभी। और एक चीज़ ये कि आज हमें दो काम और भी करने हैं। एक तो हमें लव बर्ड के बच्चे चेक करने हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए बच्चे नहीं चेक किए, और लव बर्ड का एक दिन का भी मुझे भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों में इन्होंने मेरे साथ पिछले मतलब क्लच में किया कि इन्होंने 5 बच्चे अपने मार दिए, और उसके बाद तो हमें कालों को भी चेक करने, क्योंकि उसको भी 19वां या 20वां दिन है आज, शायद उनके कोई बच्चे वगैरह निकल आए हों तो वो भी चेक करने हैं। इंशाल्लाह वो भी जा करते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या सीन बना हुआ है। यूजली मुर्गी 20 गर्मियों में 20 से 22 दिन लेती है बच्चे निकालने में, तो वो भी चेक करना है। तो इंशाल्लाह अभी जाके वो भी चेक करते हैं और सेटअप की बाकी अपडेट वगैरह भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी ये देखें माशाल्लाह से इस साइड पे तो ये भी क्लोज है। अभी माशाल्लाह से जो पौधे हमने लगाए थे वो भी ठीक है, सारा मैंने नीचे पानी वगैरह लगा दिया फिर से, और माशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है। चूज़ों को मैंने पानी वगैरह लगा के दाना नीचे डाल दिए, अभी ये खा भी सुकून से रहे हैं। और अंदर जाना है, जाके देखना है सामने एक फीमेल बैठी हुई है डव की, मैं आपको दिखाता हूँ सामने देखें जी। तो उसको जाके चेक करना है कि इसका क्या सीन बना हुआ है। तो चिंटू विंटू सबसे पहले इस साइड में चलते हैं कि हमारे मास्टर केज में क्या है बना बड़ा। हेलो बच्चा, भागो 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 भागो। वहाँ सामने देखें दो दो फीमेल, पता नहीं मेल फीमेल है, घुसे हुए हैं एग के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर 4 एग है ना, और वहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनको पता नहीं क्या गुस्सा यार, जैसे ही मैं आता हूँ ना अंदर ये आ जाते हैं, पता नहीं। हालांकि इतना दाना उधर देंगे, कितना ज़्यादा दाना पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है एग आ चुके हैं। चलो भाई साहब माशाल्लाह से एक एग यहाँ पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि फीमेल आजकल में एग दिया है, इनके काम चेक करें। अभी चलो ऐसा ना हो नीचे आ जाए और कोई इशू बन जाए। माशाल्लाह से एक ये रहा बच्चा, एक वो सामने बच्चा बैठा, ये पता नहीं छोटा रह गया, वो माशाल्लाह से ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कोई पर वगैरह का भी इशू बनना है। तो अभी इन सब को स्कूल से बैठे देते हैं, डिसाइड नहीं करते, बाहर चल दिए और बाकी जब वो जाके देखते हैं बस भाई साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल डाव भी माशाल्लाह से अपने सीज़न में अच्छी ब्रीड दे रही है, अच्छे मज़ों में चल रही है। अभी जो पट्टे वगैरह हैं डाव के वो हम निकाल देंगे। तो मेरा दिल है कि मास्टर केज में हम फिर से ना रिंग डाव ले आए, क्योंकि रिंग डाव पहले मैंने खुमरे धो गया था, वो मैंने बहुत रखे हुए थे, फिर मैंने निकाले थे क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो अभी तो माशाल्लाह सेटअप अच्छा खास है, चलो यहाँ पे डाव तो बंदा रख सकते हैं इसलिए इनके साथ तो करते हैं। ओ भाई साहब हट जाओ, नहीं भाई इन्होंने यही काम करना है, कोई अभी पाँव के नीचे आएगा मेरे। तो माशाल्लाह शहजादे को अभी मैं दाना हाथ में खिला रहा हूँ, और सारा मियोलिन गैंग मेरे पास आ गया, वो मोटे भी बाहर आ गए और ये भी मेरे पास आ गए, 6 पता नहीं 7वां वो आ गया, 7वां अभी 6 ये रहे और 7वां। तो चलो आप खा लो, और अभी छोटे मोटे काम बाकी हैं, मैं आपको अभी जाके सेटअप पे दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम दाना वगैरह खिला लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ऐसे तो इसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना है। अब इसको दाना खिलाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और माहौल चेक करें माशाल्लाह से अभी कैसा माहौल बना हुआ है सेटअप का। अभी दाना खाने के बाद लड़ाई शुरू कर दी है, सेम इसका अब्बा भी इसी तरह करता था जिस तरह अभी है। तो माशाल्लाह से हमारे शिराजी की निशानी बिल्कुल सेम, सारे जीन भाई उसी के हैं। तो माशाल्लाह से अभी मियावालियन गैंग सारा मेरे पास आए हुए हैं। ये सबसे छोटा वाला चूज़ है, आई थिंक यही है, इसको लगी थी बेचारे को सर में ना, अभी तो माशाल्लाह से ठीक है। और मारने वाला ये वाला है, और तो बाकी कहाँ गए, पानी भर के मैंने यहाँ पर इनका रख दिया है, पानी का रेगुलर पी रहे हैं, और माशाल्लाह से सारे बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके और भी दोस्त आने वाले हैं, अभी हम चेक करेंगे कालों के क्या बना हुआ है, कालों का कालों के कोई बच्चे वगैरह आएंगे नहीं, क्योंकि तकरीबन मेरे हिसाब से तो दिन उसके तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह चेक कर लेते हैं कि क्या है। सामने पड़ी है कालो, और कालों को आज मेरे ख्याल में 19वां दिन है, और गर्मियों में 20। माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये तो गुड न्यूज़ है। मैं कुछ देखने आया था और माशाल्लाह से आगे देखें चूज़े निकले हुए हैं, कितने माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह से 6 तो सामने निकले हुए हैं। अभी मज़ीद इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जब खुद उठ के आएगी ना तब हमें पता चल जाएगा कि और कितने। माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे हैं ना, कितने प्यार से माँ के सामने निकल के बैठे हुए हैं। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं
क्योंकि अभी ऐसा ना हो कि कोई और अंदर घुस जाए, उनको डिस्टर्ब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमें गुड न्यूज़ मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा अभी तो खुश हूँ यार। मैं अभी सोच रहा था, क्योंकि कल भाई ने चेक किया, भाई ने मुझे बताया कि कोई बच्चा नहीं निकला, और अभी माशाल्लाह से मैंने जाके चेक किया तो माशाल्लाह से इतने बच्चे निकले हुए हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कि हमारे साइड पे फिर से नन्हे मुन्ने चूज़े आ चुके हैं, क्योंकि अभी ये तो बड़े हो चुके हैं ना, तो नन्हे मुन्ने चूज़े बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइड पे अभी काफ़ी सारे चूज़े अभी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो और भी गुड न्यूज़ है। बाकी इन मुर्गियों को देखते हैं इनका क्या सीन बना हुआ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखें, आज दूसरी वाली मुर्गी ने भी एग दी है, क्योंकि मैंने खुद देखा था अभी माशाल्लाह से 4 अंडे इनके आ चुके हैं, तो टोटल 4 आ चुके हैं। तो कुछ एग्स के बाद इंशाल्लाह ये कुड़क हो जाएगी इनमें से कोई ना एक फीमेल, तो इंशाल्लाह वो फिर एग वगैरह पे बैठ जाएगी। और डायमंड का पेयर भी माशाल्लाह से रेडी है, जल्दी इसके भी एग आने वाले हैं। और अभी माशाल्लाह से आजकल यहाँ पे बड़ा फिट माहौल है, क्योंकि आजकल यहाँ पे होती है ठंड। जब से मैंने पर्दा वगैरह यहाँ पे लगा दिया ना, तो अब पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह मेरे परिंदे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट धूप इनको नहीं लगती, तो इस वजह से माशाल्लाह से इनके केज वगैरह सारा कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, और ये खुद भी बड़े मज़े से रहते हैं। तीसरा भी ये है सामने, और आज माशाल्लाह से 2 नए बच्चे भी नीचे आए हुए हैं। तो ये देखें सामने 2 माशाल्लाह से निकले हैं, और अभी और भी जल्द इंशाल्लाह नीचे आने वाले हैं। सामने वाली मटकी में 3 से 4 बच्चे पड़े हुए हैं, वो भी जल्द आने वाले हैं। उसके बाद ये वाले भी पहले 2 फ्लाई कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो वाइट वाला देखे पीछे करके बैठा हुआ है मटकी के ऊपर, और जो ग्रे वाला था ना फान कलर वाला, वो सामने बैठा हुआ है। तो वो भी माशाल्लाह से ठीक है। लावबर्ड ये भी माशाल्लाह बाहर बैठ के दाना खा रहे हैं। इनको मैंने सेब वगैरह डाला था, कुछ ऊपर पड़ा हुआ है और कुछ इन्होंने खा के नीचे फेंक दिया, और पता नहीं बाकी किधर कहाँ ले गए। तो चलो लावबर्ड मतलब रिंग नेक भी ठीक है माशाल्लाह से हमारा, और मेल बाहर है फीमेल अपने अंडों के ऊपर। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक, मतलब यार इतना मतलब लोग पेयर है, इस तरह कह लें कि बेचारों की हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो ही बढ़िया है, और फिर भी एग पे एग दिए जा रहे हैं। हालांकि एक क्लच मैंने इनका ज़ाया करने की कोशिश की थी, मैंने क्या किया कि जब ये बाहर थे तो मैंने बॉक्स हटा दिया, और इन्होंने एग नीचे देने स्टार्ट कर दिए थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि यार ये एग तो वैसे ही दे रहे हैं पेयर मतलब कर रहे हैं, तो बेहतर रूप से यही है कि ये ब्रीड करते रहे। चलो इसमें यह है कि फीमेल एग दे के उसके ऊपर बैठी रहती है, मेल वगैरह भी कभी बैठा रहता है, तो चलो उससे यह है कि इनके बच्चे आ जाएंगे। क्योंकि ये पेयर मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसी ने मेरा सही से शौक करवाया। बाकी ये वाले पौधे इस तरह के और थे यार, वो मैं लाना भूल गया, मेरे गमले वहीं रह गए, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, वो भी लगा देंगे। बाकी माशाल्लाह से 2 दिन में ये पौधे तो बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं, किसी का कोई इशू नहीं बना। यहाँ पर माशाल्लाह फूल देखें, और यहाँ पर भी, तो माशाल्लाह यहाँ पर भी फूल आ चुके हैं, और बाकी यहाँ पर भी फूल निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे फूल निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ओवरऑल माशाल्लाह अभी सेटअप मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, ये लुक हो गई है सेटअप की। डाला है और मुर्गी आहिस्ता से बाहर आ रही है, तो अभी जल्दी कर बच्चे का मिल जाए, पाँव नीचे आया हुआ मुर्गी के, मैं साइड हो जाता हूँ। वही डाले नीचे वही मर जाएगा पागल, असल बेचारी के बच्चे ज़्यादा है ना, डिस्टर्बेंस हो रही है। माशाल्लाह से चुटकू मुटकू पीछे भी है कुछ कुछ, यहाँ पे भी एक आधा आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2-4 और बच्चे नहीं आ रहे खाने के लिए ना, टोटल गिन ही लेते कितने हैं, 2-4-6 यार इस साइड भी बाहर आने दोनों इसको, अभी फिर से गिनते हैं ये टोटल कितने हैं। मैं बाहर आया हूँ ना, तो ऐसे ऐसे इन्होंने निकलना स्टार्ट हो गया है, और ये इधर आ गए हैं। पीछे बैठे हुए हैं 3 माशाल्लाह से, वो भी नए हैं, और 4 और 4 8 तकरीबन 11 चूज़े माशाल्लाह से निकल आए हैं, 13 में से 8 ये रहे सामने माशाल्लाह, कितने क्यूट क्यूट हैं। और 3 पीछे पड़े हुए हैं, 1-2 जस्ट अभी अभी निकला जहाँ तक मुझे लग रहा है जिसकी हालत, वो एक और भी आया, 2 आ जाएंगे, 1 मुझे लगता है नया निकला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने दोबारा जाके चेक किया कि यार टोटल कितने बच्चे हैं चेक कर लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 12 बच्चे निकल आए हैं, सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसमें से मुझे उम्मीद है कि जल्द बच्चा निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छे से मतलब अपने बच्चों को निकाला है, और अभी भी माशाल्लाह से
अपने बच्चों को दाना वगैरह खिला रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। अभी फिर से छोटे मोटे चूज़े, छुटकू छुटकू से चूज़े यहाँ पे होंगे, जिस तरह हमारा एक छुटकू पहले बेंटो वाला एक्सपायर हो गया था, तो इसी तरह अब और होंगे और मज़ा आएगा, अब काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो माशाल्लाह से पूरी जगह भरी हुई होगी, और फिर से एक मुर्गी बिठाई हुई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें से भी बच्चे जल्द आ जाएंगे। तो माशाल्लाह ये भी माँ के साथ दाना खा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम चीज़ों को क्लोज मैंने कर दिया है, और इस साइड पे मुर्गों को भी मतलब क्लोज़ कर दिया है। और कल मैं आपको बता रहा था कल से कि आज एक न्यू एंट्री होने वाली है, तो फाइनली वो न्यू एंट्री हो रही है। शायद रात को तकरीबन मुझे जाना पड़ेगा उठाने के लिए, तो हो सकता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, हो सकता है कि ना बना सकूँ अगर ज़्यादा लेट हो गया। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बहुत मज़े की, एक भी नहीं दो बहुत मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद है इंशाल्लाह कि रात को अगर टाइम से पहुँचे तो मैं आपको रात को दिखाऊंगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे लेकिन वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।